वितुरीता परासु यभद्रम त आँसु ओ शांति 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 तो गत जो मंत्रों की हम चर्चा कर रहे थे आज पुनः उसी को आगे बढ़ाते हैं इस मंत्र का पहले भी हमने अर्थ किया था विश्वानी देव सवितर दुरितानी परसु है यद भद्रम तन्ना आसु बड़ा प्रसिद्ध सा अर्थ है इस मंत्र का जो दुरित हैं उनको दूर हटा दीजिए जो भद्र है उसको ले आइए दुरितानी बहुवचन है भद्रम एक वचन है दुरित बहुत सारे हैं हमारे अंदर इसलिए सब हट जाने चाहिए भद्र एक भी आए तो उस एक भी अपने आप में जैसे बोलते हैं ना कि हजारों वन के प्राणियों से शेर एक ही काफी है उनका मुकाबला करने के लिए तो भद्र एक भी काफी है एक भी आई तो और दुरित एक भी बचना नहीं चाहिए इसलिए कहा विश्वानी दूरितानी फराश सब को दूर कर दीजिए लेकिन वो दूर कैसे होते हैं ऐसे नहीं हमने ऐसे बोला और अंदर से कोई ऐसे कोई पोचा लगा के और वो साफ हो जाएंगे दूरित तो प्रतिपल हमें हमारे अनुभव में आते हैं और उसको हटाने के लिए प्रतिपल ही खुद ही व्यक्ति को सजग होना पड़ता है अब कुछ लोग इसमें यह भी कहते हैं कि भाई जब तक सारे हट हटना जाए तब तक भद्र आ ही नहीं सकता है आ भी जाए तो वो दुरित में गिर करके और वो भी दुरित ही हो जाएगा जैसे किसी कमंडलों में किसी ने कीचड़ रखा है और उसमें कोई दूध डालना चाहिए तो वो दूध भी कैसा हो जाएगा कीचड़ी हो जाएगा इसको कट कर दो रेड रेड तो वो भी फिर कीचड़ी हो जाएगा ऐसे बताते हैं तो क्या करें अब कोई भद्र आए तो दुरित हटें और दुरित जाएं तो कोई भद्र आए तो ये तो अन्योन्याश्रित दोष हो गया ना करें क्या हम हमारे अंदर दुरित भी हैं और हमें भद्र भी चाहिए तो इसका एक ही उपाय समझ में आया है कि अगर कीचड़ के कटोरे में भी आप दूध डालें तो जब थोड़ा डालेंगे ना जब तक तब तक तो वो कीचड़ी बन जाएगा फिर और डालें और डालें और डालें पूरा भर दें पूरा भर गए फिर भी डालते ही जाएं। तो पूरा भर गए फिर भी डालते जाएं, तो क्या होगा दूध का पूरा भर गए कटोरा अब भी डाल रहे हैं, तो क्या होगा फिर? हो फिर पूरा भर गए फिर भी डाल रहे हैं तो अब क्या होगी अगली स्थिति ओवरफ्लो होगा तो जब ओवरफ्लो होगा ना तो दूध के साथ साथ नीचे से घूम के कीचड़ भी आएगा तो थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी ओवरफ्लो होगा फिर भी डालते ही जाएं, फिर और ओवरफ्लो होगा फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि कीचड़ पूरा बाहर चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा दूध के साथ साथ ही ओवरफ्लो फ्लो हो के अच्छाइयों के साथ साथ ही वो पूरा बाहर चला जाएगा और एक दिन जब आप लोटे को जांच करेंगे कोई यंत्र डाल करके तो वो पूरा दूध ही मिलेगा आपको तो इसलिए दुरितों को हटाने का और भद्र को लाने का एक ही तरीका है क्या तरीका है दुरित कोई है भी तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पूरी एनर्जी का पूरे समय का पूरा अपना कंसंट्रेशन किस पे फोकस करना है भद्र की तरफ अच्छाइयों की तरफ कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो दिमाग कम है मेरे को याद नहीं होगा मेरे से ये वाला योगासन नहीं होगा नहीं होगा ये कभी भी मत सुनाना दिमाग को ये दुरित है और बार बार क्या सुनाना एक व्यक्ति ने भी ऐसा किया है तो मैं भी कर पाऊँगा मैं भी कर पाऊंगी हो सकता है उसने दो घंटे में कर लिया हो तो मैं तीन लगाऊंगी तो करना है जरूर मेरे को हो सकता है तीन में भी ना हो तो मैं चार लगाऊंगी जिस समय वो सो रहे होंगे उस समय मैं जग करके पुरुषार्थ करूँगी तो ये जो भाव है ना ये फिर एक दिन हो सकता है आपको चार घंटे ही लगाने पड़े लेकिन ये चार घंटे का भाव जो है ये फिर एक दिन ऐसा आएगा आपकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि फिर वो जो दो घंटे में जिसको होता था ना वो आपको आधे घंटे में होने लगेगा फिर दूसरे बोलेंगे ये क्या चमत्कार हो गया तो सब महापुरुषों के जीवन में ऐसा ही हुआ है तो उसका उपाय ये है कि हम फिर ऐसी हिम्मत कहाँ से लाएं इसके लिए भी तो शक्ति चाहिए ना कि नेगेटिव विचार को हम मात दें और पॉजिटिव को बना के रखें कि नहीं मैं मुझे ये करना ही है और मैं करके ही रहूँगी दुरीतों को हटाना ही है और मैं हटा करके ही रहूँगी ये शक्ति कहाँ से लाएँ फिर तो इसके लिए हमारे यहाँ यज्ञ का विधान है पांच यज्ञ का विधान है वैदिक परंपरा में सबसे पहला ब्रह्मयज्ञ दूसरा तीसरा पित्रयज्ञ चौथा अतिथि यज्ञ पांचवा बलि वैश्व देव यज्ञ पांच यज्ञ करने होते हैं तो उनमें से तीन तो आपको करने नहीं छुट्टी आपकी आज हम देव प्रयाग का जो पतंजलि गुरुकुलम है वहाँ बेटियों के साथ बैठे हैं। तो इनसे बातचीत कर रहे हैं साथ साथ आपसे भी बातचीत कर रहे हैं तो इसलिए इनके लिए मैं बता रही हूँ कि इनको तीन यज्ञ तो करने नहीं हैं दो करने हैं ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में ये शक्ति मिलती है हमें जैसे हमें अपने कपड़ों का दूरित हटाना है गंदगी हटानी है तो क्या करते हैं कपड़े की धुलाई करते हैं रोजाना धोते हैं ना पानी से तो ऐसे ही ये जो मंत्र पाठ हैं धुलाई भी करते हैं और वस्त्र को मेंटेन भी रखते हैं ऐसा भी नहीं कि ऐसी धुलाई करें कि एक ही दिन में फट जाए पत्थर पे मार मार के कि आज तो ये पूरा दाग निकाल के ही मानूंगी तो फिर वो कपड़ा ही फट जाएगा फिर तो मेंटेन भी रखना है कपड़े को और दाग रहित भी करना है तो मेंटेन करने के लिए तो है अंगस्पर्श मंत्र जब आप बोलते हैं ना ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम तो आप क्या कर रहे हैं कि ये सारे के सारे अंग मेरे मेंटेन रहें इसका मैं ख्याल रखूंगी इसका मैं ध्यान रखूंगी तो इनमें कोई दोष ना आए इसके लिए व्यायाम प्राणायाम जो भी मेरे को करना है वो मैं सब करूंगी जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए अपने आप को जिम्मेदारी देते हैं अपने आप को ही याद दिलाते हैं उस समय और फिर उससे जो अगला है तो कपड़े को साफ रखने के लिए दो काम करते हैं ना एक तो पूरे दिन उसको मेंटेन करके रखते हैं कि कीचड़ में ना बैठूं गंदगी में ना बैठूं कहीं धूल है तो उसको हटा के बैठूं क्योंकि मुझे क्या रखना है कपड़े को मेंटेन करके रखना है फटे भी नहीं और गंदा भी ना हो लेकिन मेंटेन करके रखते रखते भी गंदा होता ही है तो कल धोना ही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अब तो घसीटते रहो इसको मिट्टी में कहीं भी नई ड्रेस बननी है तो फटने दो अब तो ऐसा नहीं उसको संभाल के भी रखना है लेकिन संभालते संभालते भी गंदा होता है तो उसके बाद फिर क्या करते हैं फिर धुलाई करते हैं कपड़े की तो उससे अगला मंत्र क्या है मार्जन मंत्र अंगों को हम ये चाहते हैं कि ये हमारे स्वच्छ रहें पवित्र रहें सुदृढ़ रहें भगवान की सेवा करने में सक्षम रहें विद्या अर्जन करने में सक्षम रहें लेकिन उसके बावजूद भी कोई त्रुटि आती है तो फिर अगला मार्जन मंत्र उसमें फिर अपने से बड़ी शक्ति से प्रार्थना की जाती है वहाँ तक तो अपना काम था अंग स्पर्श तक तो हमारी ज़िम्मेदारी उसको भी समझना है हमारी जिम्मेदारी कितनी है और हमारे से ऊपर अगर उसको और ज़्यादा सुंदर बनाना है अपनी इंद्रियों को अपने शरीर को तो फिर एक बहुत बड़ी शक्ति पूरे विश्व में ब्रह्मांड में काम कर रही उससे प्रार्थना करनी होती है फिर तो हम ये प्रार्थना कर रहे थे ओम भू हो पुना तु हे प्राणों के भी प्राण हैं आप तो तो आप सबसे पहले सिर को पवित्र कर दीजिए क्योंकि सारा हमारा सिस्टम किस से परिचालित है मस्तिष्क से मस्तिष्क यदि बिल्कुल ठीक है तो ये कहीं भी पूरे शरीर में अंग प्रत्यंग में कोई भी गड़बड़ क्रिया नहीं होने देगा मस्तिष्क यदि ठीक है तो विचार ठीक होगा दृष्टि को भी ये ठीक रखेगा वाणी को भी ठीक रखेगा क्या सुनना है स्रोत को भी ठीक रखेगा क्या सूंघना है किस स्थान पे दुर्गंध या सुगंध हमें रखनी है ये ठीक रखेगा मस्तिष्क किस निर्देश देगा कहीं उल्टा पल्टा खा रहे हैं तो मस्तिष्क रोकेगा नहीं बीमार हो जाओगे आप पैरों को भी सही दिशा में ले जाएगा गलत मार्ग में जाने से रोकेगा और ठीक ठीक खाएंगे और फिर एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे तो यहाँ भी पाचन भी अच्छे से होगा तंत्र भी अच्छे से काम करेगा तो सिर यदि ठीक है दिमाग ठीक है तो फिर पूरा सिस्टम ठीक रहेगा इसलिए सबसे पहले कहा भू पुना तु शिर भू पुना तु हो। माने? आप सभी माने के हरता दुखों के नाशक हैं हरण करने वाले हैं तो अगर हमें अपने सारे दुखों का नाश करना है तो क्या करना पड़ेगा दृष्टि को पवित्र करना पड़ेगा यहां नेत्रयो के लिए कौन से भगवान जी से या भगवान के कौन से गुण की प्रार्थना की भुवह दुख हरता दुख नाशक जिस व्यक्ति की दृष्टि ठीक उसके सारे दुख दूर जिस व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं है उल्टा पलटा ही देखता है तो फिर दुखों को आमंत्रण देता है वो हमारी दृष्टि राग से भरी है द्वेष से भरी है घृणा से भरी है निराशा से भरी है बदले की भावना से प्रतिशोध से भरी है कहीं एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं उसको ज़्यादा क्यों मिला मेरे को कम क्यों मिला उसके साथ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो फिर ये वाली दृष्टि तो दुख लेके आएगी और एक दृष्टि है कि मैं सदा भगवान की शरणागति में हूँ और एक एक दिन एक एक घंटा एक एक कदम करके मैं उसकी गोद की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ तो ये दृष्टि कैसी है दुखों का नाश करने वाली तो इसलिए जब आप ऐसे करो ना ओम भुआ पुना तुने त्रयो तब क्या भाव रखना है कि भगवान जी मेरी दृष्टि को कैसे बनाना दिव्य दृष्टि बनाना उस दिन बताया था ना मैंने तीन दृष्टि तो सबसे अच्छी कौन सी है दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि में क्या होता है सब जगह भगवान ही भगवान दिखता है ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है अभी नहीं दिखेगा तो ऐसे प्रार्थना करना फिर स्व पुनातु कंठे स्व का क्या अर्थ सभी है सभी सुखों, सभी सुखों को देने वाला जीवन में यदि सभी सुख चाहिए हमें तो किसको पवित्र करना है कंठ को पवित्र करने से सारे सुख कैसे आएंगे बोलो मधुर मधुर तो वाणी बोलेंगे तो जो मधुर बोलता है वो सुखों को आमंत्रित कर लेता है जो कठोर बोलता है वो दुखों को आमंत्रित कर लेता है और यहां से खाएंगे कैसा सात्विक आहार दिव्य आहार तो शरीर भी कैसा बनेगा दिव्य बनेगा तो जिसको सुख चाहिए और जिसको दुख का नाश चाहिए वो दो को ज्यादा पवित्र करे ठीक है और फिर तीसरा है महापुनातु हृदय महा मतलब क्या विराट। विशाल, विराट। विराट। विशाल विराट तो जिसको सुख चाहिए उसका हृदय कैसा हो विशाल महा यौ वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति अल्प में सुख नहीं होता है जब हम छोटा छोटा क्षुद्र हृदय रखते हैं ना ये मेरा है ये दूसरा है ये मेरी कक्षा वाली ये दूसरी कक्षा वाली ये मेरे संगठन का व्यक्ति ये मेरे परिवार का व्यक्ति ये मेरे मजहब का व्यक्ति ये दूसरे मजहब का व्यक्ति ये सब क्या है क्षुद्र हृदय की पहचान उदार हृदयानाम उदार चरिता नाम तुँ? वसुधैव कुटुंबकम जैसे अपने कुटुंब वाले सब अच्छे लगते हैं तो उदार हृदय वालों को सब ऐसे ही अच्छे लगते हैं अपने ही लगते हैं उनको तो इसलिए यहाँ पर कहा महा हृदय हृदय क्षुद्र ना हो संकुचित ना हो छोटा ना हो हमेशा उदार दिल सुना ना आपने तो अपने को कभी कोई दिक्कत भी उठानी पड़े और दूसरे को सुख देना पड़े तो किसका रक्षण करना है दूसरे के सुख का और खास करके बहनों को इसलिए बहनों को एक शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता है महिला मालूम है लेकिन थोड़ा बड़ा होने पे किया जाता है क्योंकि बच्चों में थोड़ी थोड़ी वो रहती है थोड़ी संकुचितता रहती है बच्चे हैं ना और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे विशालता बढ़ती जाती है तो जब शादी होती है तो वो एक परिवार को पहले अपना मानती थी फिर दो को मानती हैं और जो साधना करने वाली महिलाएं हैं वो बिना विवाह हुए ही सारे संसार को ही अपना मानती हैं तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है ऋषिका उनको ऋषिका कहते हैं जैसे कि आप तैयार हो रहे हैं ऋषिका और मही पृथ्वी को भी कहते हैं ना तो ये पृथ्वी कितनी उदार है सब कुछ सह लेती है कोई इसके साथ अत्याचार करता है कोई इस पर पुष्प लगाता है कोई इसके सीने को फाड़ के उसमें विषैली गैसें छोड़ देता है कोई इसमें खाद डालता है सब इसको उल्टा पुल्टा करता है तो भी ये कभी भी बोलती नहीं है तो भी सबको धारण करके रखती है घर में जो माँ होती है वो घर परिवार में जो आठ दस सदस्य होते हैं उन सबको धारण करके रखती है कोई माँ को बहुत प्रेम करता है कोई माँ के साथ झगड़ा करता है कोई माँ को कहता है कि तू भेदभाव करने वाली है तू न्याय नहीं करती है तो दस लोग हैं वो दस तरह की डेजिग्नेशन उसको देते हैं लेकिन तो भी सबको सहन करके माँ क्या करती है सबको संभाल के रखती है महान होते है। उसका हृदय क्या होता है आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो गुरुकुल में जो आचार्य होते हैं ना तो उनको आप नहीं कहते हैं आप तो बहुत अच्छे वाली देवी देवता हैं देवियां हैं आप तो पर कहीं कहीं गुरुकुलों में आचार्य जी को ऐसे बोल देते हैं कि आप तो उनको ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे से थोड़ा कम करते हैं आप तो उनके पास ही सोते हैं हमेशा मेरे कमरे में तो आते ही नहीं है आप तो उनको जो मांगते हैं वही चीज मंगवा के दे देते हैं मैं मांगती हूँ वो तो देते ही नहीं है ऐसे आ जाता है तो आचार्य को क्या करना पड़ता है सबका सुनना पड़ता है और फिर भी सबको क्या करना पड़ता है प्रेम करना पड़ता है तो आप क्या आचार्या की कितने बच्चे हैं सौ बच्चे हैं और वो खुद बेचारी छोटी सी आचार्य और बच्चे सो है और फिर जो दूसरी आपकी प्राचार्य हैं तो पूजा साध्वी देवश्रुति जी और पूजा साध्वी देवाश्रिता जी तो वो दोनों आपकी माँ हैं और आपकी आचार्य भी हैं और दूसरे भी आपके आचार्य गण अब ये लोग शादी करते तो इनके एक दो बच्चे होते तो ज्यादा हृदय को बड़ा करने की जरूरत नहीं थी इतने से ऐसे काम चल जाता अब बच्चे हो गए सो। तो अब क्या करें तो अब हृदय को विशाल करना पड़ेगा तो इसलिए ये वाला मंत्र उनको और ज्यादा बोलना है ओम मह पुनातु हृदय ओम जन पुनातु नाभ्याम जन है मतलब जो उत्पत्ति, कर। उत्पत्ति करने वाला जनक पैदा करने वाला तो हमारा जो ये शरीर पैदा हुआ ना हम तो पैदा नहीं हुए आत्मा तो पैदा नहीं होती है पैदा क्या होता है शरीर पैदा होता है तो ये शरीर माता के रजवीरिय से जो सा अंदर इसकी उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई माँ की नाभि से जुड़े हुए थे नाल बोलते हैं उसको नाभि नाल और जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको कट कर देते हैं नाल को उस नाल के माध्यम से जो माँ खाती है जो पीती है उसका जो रस बनता है वो सारा पोषण बच्चे की नाभि के साथ जुड़ के उसके शरीर को पोषित करता है तो पहले तो उसकी इतना छोटा सा मांस का टुकड़ा है यहाँ फिर उसमें नाभि बन जाती है उसमें वो जुड़ जाता है नाली फिट कर देते हैं उसमें फिर वो बढ़ता चला जाता है फिर उसमें हाथ पैर सिर उंगलियां घुटने टखने सब बन जाते हैं अंग प्रत्यंग जितने भी हैं ना हमारे वो सब अंदर ही बन जाते हैं तो किससे बना माँ के आहार से और माँ के साथ कैसे जुड़े हुए थे नाभि से अगर माँ की नाभि से आपका कनेक्शन कट हो जाए तो गर्भ का बच्चा मर जाएगा फिर उसको पोषण नहीं मिलेगा ना तो नाभि ही क्या है हमारे अस्तित्व का आधार है और इस सारे विश्व की नाभि कौन है यज्ञों वही भुवनस्य नाभि ही ऐसे मंत्र है ना क्योंकि ये हमारा अस्तित्व तो पहले माँ की नाभि से चल रहा था अब हमारी वाली नाभि से चल रहा है क्योंकि सारा का सारा जो हम खाते हैं वो पाचन होकर कहाँ आ जाता है आँत में आता है ना पचने के बाद और वहाँ से जो आँत उन रसों को ऑब्जर्व करती है तो फिर वो अंग प्रत्यंग को दे देती है तो ये तो हमारा शरीर अभी हमारी नाभि से चल रहा है पहले माँ की नाभि से चल रहा था लेकिन ये बाहर वाला संसार ये कैसे चल रहा है बाहर के जो प्राणी हैं उसको भी आप कहेंगे वो उनकी नाभि से चल रहे हैं पर ये कैसे चल रही हैं पेड़ पौधे नदियाँ बादल बारिश ऋतुओं का परिवर्तन समुद्र ये सारा कैसे चल रहा है इसकी नाभि कहाँ है यज्ञ को इसकी नाभि बताया क्योंकि ये सारा अस्तित्व प्रभु का शरीर है ये सारा ब्रह्मांड क्या है भगवान का शरीर जैसे मुझ आत्मा का ये शरीर है आप आत्मा का ये शरीर है ऐसे ही परमात्मा का शरीर क्या है ये सारा विश्व और उसकी नाभि कहाँ है उसको कहाँ ढूंढें? तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई सेंटर पॉइंट हम ढूंढ लें तो यज्ञ ही उसकी नाभि है यज्ञ का मतलब क्या है लेना और देना यज्ञ में हम आहुति देते हैं और यज्ञ फिर उससे क्या देते हैं सुगंध देते हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म उसमें उस से गैसें निकलती हैं कुछ सूक्ष्म उसमें उस से ऊर्जा के स्रोत निकलते हैं और वो हम जैसे सांस लेते हैं ना यज्ञ के पास बैठ के तो हमारे श्वास के माध्यम से सीधे के सीधे श्वास से हमारे अस्तित्व में चले जाते हैं वो माने किसी को इंजेक्शन देते हैं तो कहाँ जाता है पहले ब्लड में जाता है और ब्लड को प्योर करके फिर वो रोग को ठीक करता है लेकिन ये तो ब्लड तो स्थूल है रक्त से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है प्राण क्योंकि ब्लड से भी तो प्राण में ही जाएगा ना हमारे जीवन का आधार क्या है प्राण है ब्लड नहीं है ब्लड में भी प्राण है तो ब्लड हमें जिंदा रखता है उसमें से प्राण निकल जाए तो ब्लड पानी तो जब हम यज्ञ करते हैं और उससे जो गैसें निकलती हैं वो साक्षात प्राण है इसलिए अगर किसी को रोग ठीक करना है तो टैबलेट लेने से भी ज़्यादा इंजेक्शन लगाने से भी ज्यादा कारगर क्या है यज्ञ करना तो वो सीधा सीधा प्राण में जाता है और प्राण पुष्ट हो जाता है तो इसलिए यज्ञ को क्या कहा भुवनस्य नाभि ये जितनी बीमारी है ना कोरोना है अगर सब लोग अपने घर में अब जैसे तीन महीने हो गए तीन महीने से सब लोग यदि अपने घर में एक एक दो दो किलो घी का हवन करते तो अब तक तो भाग जाता और ये थोड़ा बहुत भारत में इसका कम प्रभाव है इसका कारण भी यही है क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ लोग यज्ञ आदि करते हैं उसमें विशेष औषधियाँ डालते हैं तो उससे विशेष गैसें उत्पन्न होती हैं तो जहाँ यज्ञ होता है उसके लगभग एक दो किलोमीटर के एरिया में रोग का प्रवेश नहीं होता है अगर हम उसी प्रकार की औषधियाँ डालें और वैसी ही श्रद्धा से यज्ञ करें तो ये होगी स्थूल यज्ञ की बात और फिर एक सूक्ष्म यज्ञ भी चल रहा है हमारे शरीर में भी यज्ञ चल रहा मालूम आपको हमारा शरीर क्या है एक यज्ञशाला है वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है गीत याद है तो आज मैं सिखाऊंगी आपको शाम को तो यहाँ भी यज्ञ हो रहा है हम आहूतियाँ डाल रहे हैं इसमें और फिर उससे सुगंध उठती है हमारे अंदर से वो यज्ञ कैसा है यदि अच्छी आहूति डालते हैं यज्ञ में यदि मिर्ची डालेंगे तो क्या होगा छींक आएंगे ना फिर दुर्गंध आएगी और घी गूगुल डालते हैं तो फिर क्या होता है सुगंध आती है आप हमारे अंदर भी हम डालते हैं ना उससे फिर पता चलता है मिर्ची डालते हैं ना तीखा तीखा खाना डालते हैं ना तो फिर उससे कई कई रोग उत्पन्न होते हैं चटपटकाने से शरीर में खटपट होती है फिर और केवल हम खाने से ही आहुति नहीं डालते हैं आंख से भी आहुति डालते हैं कान से भी डालते हैं वाणी से जिह्वा से भी डालते हैं ये यज्ञ हैं हमारे अंदर भी यज्ञ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कहा ओम जन पुनातु नाभ्याम आप जनक हैं आप हमारी नाभि को ठीक कर दीजिए सेंटर को ठीक कर दीजिए तो स्थूल शरीर का सेंटर तो दिखाई देता है ये नाभि है और सूक्ष्म शरीर का सेंटर दिमाग का नाभि क्या है अच्छा विचार और हृदय की नाभि क्या है अच्छा भाव उच्च भाव उच्च संकल्प तो यदि हमें अपने जीवन में कुछ नई उत्पत्ति करनी है हमें जनक बनना है अपना ही जनक दूसरे का नहीं क्योंकि हमें तो ये ऋषियों के मार्ग पर चलना है तो हमें स्थूल प्रजाओं की उत्पत्ति तो नहीं करनी है लेकिन जो सूक्ष्म प्रजाएँ हैं सूक्ष्म प्रजाएँ हैं हमारी इंद्रियाँ और उन इंद्रियों की शक्तियां तो उन शक्तियों को हमें कई गुणा बढ़ाना है जो सामान्य व्यक्ति है उसकी भी ऐसी इंद्रियां हैं और जो श्रद्धे स्वामी जी महाराज हैं या पूज्य आचार्य श्री हैं उनकी इंद्रियां भी वैसी ही हैं लेकिन उनकी इंद्रियों की शक्तियां कैसी हैं सामान्य व्यक्ति से अनंत गुणा ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो उन्होंने एक नई सृष्टि की उत्पत्ति कर दी है तो इसलिए वो अच्छे जनक हैं ठीक है जनक तो हर व्यक्ति ही होता है तो कोई बुरी सृष्टि की उत्पत्ति कर देता है कोई अच्छी की करता है कोई छोटी सृष्टि की उत्पत्ति करता है कोई बहुत विराट करता है जो बुरा बुरा सोचते हैं आलस से प्रमाद में रहते हैं सोते रहते हैं वो भी एक सृष्टि बनाते हैं कैसी सृष्टि बनाते हैं वो बुरी सृष्टि बना लेते हैं वो तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी है जब हम ऐसे कहीं ओम जनह पुना तुनाभ्याम तो तभी सोचना है कि मुझे एक अच्छी सृष्टि बनानी है मुझे जनक बनना है ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी और जब ये सारे ठीक होने हैं और सबसे पहले सिर पवित्र यदि होना है तो उसका आधार क्या है सत्य आप तो गीत गाते हैं ना सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का भी आधार है और जीवन को ऊपर उठाने का भी सिर आदि इंद्रियों को पवित्र करने का भी आधार क्या है सत्य जैसे जैसे हम सत्य को पकड़ लेते हैं अड़िग हो जाते हैं सत्य की रक्षा करते हैं प्रयास पूर्वक तो वो सत्य हमारी रक्षा करता है आपने सुना ना धर्मो रक्षति रक्षित ऐसे ही सत्य रक्षति रक्षित है रक्षित किया हुआ सत्य हमारी रक्षा करता है ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी और परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है सबसे बड़ा सत्य परमात्मा है ओम खम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र मतलब आकाश।, आकाश।, ब्रह्म आकाश में व्याप्त वो जो ब्रह्म है विष्णु है वो सब तरफ से जो अंग हमें याद नहीं भी आए कुछ तो हमने बता दिए इनको पवित्र करो कुछ जो हमें नहीं भी आई तो चारों तरफ से जिस आकाश में मैं रह रहा हूँ मेरे चारों तरफ आकाश ही है ना तो वो सारा का सारा आकाश ही कैसा हो पवित्रता का सागर हो और उस पवित्रता के सागर में मैं रह रहा हूँ मैं डूबा हूँ तो मैं भी पवित्र होकर के निकलूँ तो ऐसी जब हम प्रार्थना करते हैं ब्रह्म यज्ञ के समय तो फिर दुरित हमारे दूर हो जाते हैं तो ये एक उपाय है जो हमने शुरू में मंत्र बोला विश्वानी दुरीतानी परास्वे और यद भद्रम तन्नासु फिर वो भद्र हमारी तरफ आ जाता है तो ये इनको मार्जन मंत्र कहा जाता है इंद्रियों को मांजना उनको शुद्ध करना जैसे कि हम कपड़ों को शुद्ध करते हैं ऐसे ही अपनी इन इंद्रियों को हमें रोज शुद्ध करना पड़ता है सुबह शाम जैसे कपड़ों को रोज शुद्ध करते हैं ऐसे ही अपनी इंद्रियों को भी रोजाना शुद्ध करना होता है फिर और ज़्यादा शुद्धि के लिए फिर देवयज्ञ फिर ध्यान फिर समाधि तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते, जाते 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 और फिर क्या बन जाते हैं फिर ऋषि ऋषि का बन जाते हैं तो यही हम सब का उद्देश्य है तो जो हमारे भाई बहन इस पे फेसबुक पे जुड़े हैं आप सभी को भी हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है और ऐसे ही हम आप आगे भी संध्या के मंत्रों की चर्चा आपके साथ करते रहेंगे तो आज समय हो गया आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं तो आप सभी को हृदय से पुनः बहुत बहुत प्रणाम ओम शांति ओम शांति ओम शांति